वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको वेट लॉस रेसिपी बनाना बता रहे हैं और वो है ओट्स का वेजिटेबल चीला। ये हमने ओट्स लिए हैं, ये पतंजलि के ओट्स हैं। ये देखिए 1 कप ओट्स लिया है और इसको मैंने देखिए आप आधा कप पानी डालकर, आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी मैंने लिया है और उसमें इसको 10-15 मिनट से पहले सोक कर दिया है। देखिए मैं आपको यहां दिखाऊं, ये देखिए इतना ये ऐसे सॉफ्ट हो गया है, देख रहे हैं आप। तो यानी इसको मैं पीस नहीं रही हूँ, ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, बस इसको ऐसे सोक कर लिया है। ये मैंने एक छोटी प्याज काट ली है, कुछ हरा धनिया है 2-3 टेबलस्पून जिसको धोकर मैंने बारीक काट लिया है, 1/4 शिमला मिर्च है यानी 2-3 टेबलस्पून कट करने के बाद हो गई। ये सब्जियां आप अपने मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। एक छोटी गाजर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2-3 बीन्स हैं, 2-3 जो बीन्स हैं हरी फ्रेंच बीन्स आती हैं उनको मैंने चॉप कर लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और ये मैंने मेथी का पेस्ट लिया है। फ्रेश मेथी को मैंने ग्राइंड किया है लीव्स को अच्छे से धोकर, उसको मैं बताती हूँ कैसे यूज करना है। बटर है चीले सेकने के लिए, आप घी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। लाल मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून और नमक है स्वाद के अनुसार, और थोड़ा हम ये यूज करेंगे चाट मसाला जिससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसको मैं हाथ से ही मैश करूंगी। बहुत अच्छा, देखिए ना तो ये पीसने के बाद क्या है बिल्कुल स्टिकी सा पेस्ट हो जाएगा, वो नहीं मैं कर रही हूं, बल्कि ये क्रंची लगता है। ये देखिए ऐसे हमने सब इसको कर लिया है, थोड़ा मैश कर लिया है, 10 मिनट पहले आपको सोक करना है और इसके बाद हम ये सूखा नमक हल्दी मिर्च सूखे मसाले डाल देंगे। जीरा जरूर डालिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्च आप जितनी अगर तीखी नहीं खाना चाहते तो आप कम कर सकते हैं। चाट मसाला भी हम 1/2 टीस्पून यूज करेंगे, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ऊपर से भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं चीला बनने के बाद, और ये सब मैं इसमें डाल रही हूं। इसको अच्छे से करते हैं मिक्स और चेक करेंगे, इसको बहुत हमें फ्लोई नहीं करना है। देखिए जब इतनी सारी वेजिटेबल्स होंगी, ओट्स जो है खाने में बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर रिच हैं ये, तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए या जो वेट लॉस रेसिपी चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पुदीने की चटनी बनाइए, उसके साथ सर्व कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, बस, और इसको मिक्स करेंगे। आप देखिए अब ये परफेक्ट तैयार है। इस समय आप इसमें नमक चक्कर देख सकते हैं, कम ज्यादा है, मतलब कम है तो आप और डाल सकते हैं, ज्यादा है तो आप ओट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन रेड व्हाइट सब कलर इसमें आ गए हैं, चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूं। तवा गरम हो गया है, इस पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है आप घी बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आप इस जो ये बनाएंगे चीले उनको थोड़ा छोटा बनाइएगा साइज में। गैस को धीमा कर लेंगे और हम हाथ से ही इनको डालेंगे और इसको हाथ से ऐसे फैला देंगे। ऐसे ही हम ये दूसरा डाल देंगे और ये देखिए जो भी साइज आप बनाना चाहें, छोटा रहेगा तो आपको पलटने में इजी रहेगा, वो टूटेगा नहीं। इस टाइप से देखिए आप, बहुत अच्छा ये लग रहा है देखने में। थोड़ा सा बटर हम इस पे लगाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए,
ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम इसको गैस को धीमा करके बिल्कुल और इसको कवर करके पकाएंगे ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। अब हम इसमें ये मेथी का पेस्ट मिलाएंगे। थोड़ा सा हमने इसको अलग कर दिया है और थोड़े में हम ये मेथी का पेस्ट मिलाकर और ये न्यूट्रिटिव सा ओट्स का चीला बनाएंगे। ये ग्रीन कलर का होगा, थोड़ा कटा धनिया, थोड़ा ये मेथी का पेस्ट, और यकीन मानिए ये बहुत अच्छे बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए इस लॉकडाउन में। मैं बहुत हल्की हल्की रेसिपी, ज़्यादा डीप फ्राई रेसिपी नहीं ला रही हूँ, केवल इसीलिए ताकि आप हेल्दी खाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारे दूसरे चीले सिक रहे हैं, हमने एक फ्राई पैन रख लिया है, इसमें हल्का सा ऑयल लगाया है, उसमें हमने बटर लगाया था, इसमें हम ऑयल लगा रहे हैं। और अब हम ये जो ग्रीन वाला पेस्ट है, वेजिटेबल वाला, इसको डाल देंगे इसमें। और हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे और इसको फैलाएंगे। ज्यादा मोटा ना हो ताकि वो आसानी से सिक जाए अंदर से। ये देखिए कितना अच्छा ये कलरफुल चीला बनकर तैयार है। फ्रेश मेथी लीव्स हैं और कड़वा नहीं लगता है। तो इसको भी हम ढककर सेक लेते हैं। आइए अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिक रहे हैं। अभी हमें और थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस बीच हम एक रायता तैयार कर लेते हैं। तो ये लिया है हमने एक कप दही, आप देख सकते हैं। इसको मैंने फेंट लिया है अच्छे से। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, ये मिक्स वेज रायता हो जाएगा, और ये बारीक कटा हुआ टमाटर। ये करीब एक एक पीस ले लीजिएगा, आधा खीरा, एक छोटा प्याज और एक छोटा टमाटर। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा रेगुलर नमक, थोड़ी सी रेड चिली, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा जो घर में हमने रोस्ट करके रखा हुआ है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा चाट मसाला 2-3 पिंच, और इसको मिक्स करेंगे अब हम अच्छे से। ये देखिए परफेक्ट, ये रायता और चीला खाएंगे चटनी के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। इस समय आप चेक करके देख सकते हैं टेस्ट कैसा है। तो अब हम चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सिक गया है। अब हम दूसरी तरफ से इसको बिना कवर करके सिकेंगे। देखिए कितना परफेक्ट सिक रहा है। इसको भी हमने कवर करके पकाया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए पलट दिया है। थोड़ा पलटने में मुश्किल होती है, ध्यान से आप करिएगा। हम लोग हाथ लगा के पलट लेते हैं, आप अपना कुछ यही पलटा से ठीक करिए। देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है, ग्रीन कलर है और बहुत अच्छे से सिक गया है। सेकते समय आपको पेशेंस रखना है ताकि वो अंदर से कच्चा ना रहे, ये जरूर ध्यान रखें। केवल ऊपर से ब्राउन नहीं होना है, इसलिए हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पेशेंस के साथ इसको सेकना है। देखिए अब ये परफेक्ट सिक गए हैं दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सिक गए हैं। और ये भी देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है, थोड़ा सा टूट रहा है, आप ध्यान से थोड़ा सा पलटिएगा। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए ये भी परफेक्ट सिक गया है। बस ध्यान रखना है आपको सेकने का। कभी कभी हमें लगता है अरे हम नहीं बना पा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं बना है, नहीं, पेशेंस रखिए, उसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ध्यान से सेकिए। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब ये देखिए लग रहे हैं ना यम्मी, और मेथी का तो शायद आपने पहले नहीं खाया होगा, मैंने बनाया है, और ये इतना यम्मी से लगने वाले जो ये चीले हैं, ये खाइए, बनाइए और मुझे बताइए कि आपके चीले जो हैं वो कैसे बने। आप हरी चटनी के साथ खाइए, मिंट चटनी के साथ खाइए, ये कचूमर सैलेड मैंने बना दिया है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ।
और ये हमने जो मिक्स वेज रायता बनाया है ये इसके साथ आप अच्छे से खा सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, कितने अच्छे से देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है, कितने अच्छे से बना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका सेकने का ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब हम शुरू में पेशेंस नहीं रखते हैं तो वो खराब बनता है। और मैं आपको खाकर बताती हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।